सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विशेषकर पुलिस की मांगों पर ही शुरुआत करता हूं। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नतियां अन्य विभागों की तरह, जैसे ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी, एलडीसी आदि की तरह पदोन्नति की जाए। नंबर दो, इसी प्रकार पुलिस को 24 घंटे नौकरी देने वाले 24 घंटे नौकरी करने के बावजूद भी अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मानदेय हाई ड्यूटी के नाम पर बहुत कम दिया जाता है, अन्य विभागों की तुलना में दिया जाए। पुलिस विभाग में दी जाने वाली पदोन्नतियां अन्य विभागों की तरह ही डीपीसी आधार पर की जाए। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा रहे, न्यायालय में रिट लगने की प्रक्रिया भी कम होगी, राज्य सरकार का कार्य भी जनता से सामने अच्छा प्रतीत होगा। पुलिस कर्मियों को उच्च पदोन्नति देने से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। सभापति महोदय, इसी प्रकार पुलिस कर्मियों में उस समस्या का समाधान करने में उनके मनोबल में बढ़ोतरी में उत्साह, जवाबदेही आदि और बढ़ेगी। सभापति महोदय, इसी प्रकार उस पदोन्नति देने पर पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा तथा उनमें से नौकरियों के प्रति उत्साह और जोश पैदा होगा। पुलिस विभाग में वर्तमान में जो परीक्षाएं के अनुरूप जो पदोन्नतियाँ होती है उन प्रक्रियाओं को समाप्त किया जाए। सभापति महोदय, वर्तमान में मेष भत्ता दिया जा रहा है, वो नाम मात्र है, उसे बढ़ाकर 4,000 प्रति माह किया जाए। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मियों में ग्रेड पे 3600 किया जाए और जेल पैरियों को भी सुविधा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ मांग रख रहा हूँ। श्री डूंगर क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 थाने आते हैं, श्री डूंगर, शेरुणा और दसरासर। विशेषकर अध्यक्ष सभापति महोदय, अभी मेरे इलाके में ज्यादातर गायब हुई है, बच्चे गायब हैं, आज तक उन मिल नहीं पा रही है। तो मैं ये चाहूंगा वहाँ मेरे इलाके में पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए और ज्यादा पुलिस को सुविधा दी जाए। सभापति महोदय, मैं साथ में यही कहूंगा कि बीकानेर जिले के अंदर अपन सदन में बैठे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है। अगर हम ईमानदार होंगे तो निश्चित रूप से कितनी भी कोई भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो अपराध करने से बच जाएगा, अपराध नहीं कर पाएगा। सभापति महोदय, मेरी बड़ी आपसे आस है कि अभी आपने देखा हरियाणा की सरकार ने राम रहीम बाबा को प्रेल पर छोड़ा। जो अपराधी होता है प्रेल से बाहर आता है, कुछ नियम कायदे होते हैं, वहां गवर्नमेंट भाजपा की है और देश में भाजपा की है, तो ये नियम हम पवित्र सदन पर बैठ के बात करते हैं, अंतरात्मा से बात करते हैं सभापति महोदय, तो अपराध नाम की चीज नहीं रहेगी। अपराध नाम की चीज, जैसे मैं मेरे क्षेत्र की बात थोड़े रूप में करूंगा, 30 दुकानें शराब की, 8 बजे के बाद खोलने का समय नहीं है, फिर भी वह दुकानें खुली रहती है। खनन के मामले में बीकानेर 1 नंबर पर है, कोलाइत हो, खाजवाड़ हो, नोखा हो, अवैध खनन का भरमार पड़ा है। अगर हम वहां ईमानदार होंगे तो निश्चित रूप से उस खनन को रोक पाएंगे। अरे पुलिस की बात, आज शहजादन इतने नहीं है, पुलिस कमजोर है, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे रहने के लिए व्यवस्था हो, तो पुलिस का मनोबल उस खनन माफियों का, भू माफियों का, चूना माफियों का वो कर नहीं सकते। इसलिए हमें पुलिस का मनोबल बनाए रखने के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सरकार की ओर से जितनी मदद मिले पुलिस को उसे न दबाएं, ज्यादा से ज्यादा उनको मदद करें। अध्यक्ष महोदय, बड़ा सवाल है राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर राजनीतिक मुकदमे हुए थे, मगर
जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का राज आया कांग्रेस के टाइम में, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे पूरे राजनीतिक आंदोलन में मुकदमे वापस ले लिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी राजनीतिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में तहत हुए, तो सरकार से कहें बोल लें कि वो राजनीतिक व्यवस्था से किए गए हैं। मैं बता देता हूं, मैं जब जिला परिषद का मेंबर था, भारतीय जनता पार्टी का राज था, और मैं बिजली की मांग को लेकर नौखे गया था। उस टाइम महारानी मुख्यमंत्री थी, मेरे को नौखे जाने के लिए रोका गया था, और उस नौखे में मेरे पे पिटाई हुई थी। जी तो आज तक आजादी के बाद में अंग्रेजों के तमें हुई थी, उस तरह भाजपा के राज में हुई थी मेरी, और मैंने उस पुलिस को कह दिया था कि आप जांच कर रहे हो मिलनी को, मैं मारवाड़ी को मिलनी को दूध की रुखाड़ी करें तो दूध रुखाड़ी रहे को नहीं, तो जांच पुलिस के पक्ष में गई। तो आज वो आईएसओ जांच कर रहा था, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, वो अभी उसका घर में अभी खाने के दाने के सांसे पड़ रहे हैं, मैंने उसी टाइम कह दिया था उसको। अध्यक्ष महोदय एक मिनट, मैं अंत में यही कहूंगा इस सभा के संबंध में, औरों से क्या गम, अध्यक्ष महोदय सभापति महोदय, औरों से क्या गम, अपनों ने लूटा किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। नरेंद्र बेनीवाल।